नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कपिल काठपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टेड सोर्सेज। दिस इज 28th फरवरी 2020। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि आपके आने वाले वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से रोज सुबह 7:30 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, और अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलरली सेक्शन में। और बस इसी तरह से फॉलो करते रहिएगा। और ये क्लास के बाद 8:10 पर डेली बेसिस पर एमसीक्यू की एक क्लास होती है, जो कि होती है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। वहां पर हम प्रीवियस डे के एमसीक्यूज करते हैं पोल के थ्रू, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सके कि प्रीवियस डे का आपको कितना याद है और आपने कितने अच्छे से रिवीजन किया है। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को बाकी लोगों से, बाकी कंपटीटर से, कि उनका कितना स्कोर आया और आपका कितना स्कोर आया। तो उस क्लास को भी जरूर अटेंड कीजिएगा लाइव, जो कि अनअकैडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर होता है। इस पर्टिकुलरली का पीडीएफ, जो आपको इस क्लास का पीडीएफ, वो मिलेगा आपको इस चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहां पर भी आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन, किसी भी तरह का प्लस सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी का लेने के लिए आप Zini10 कोड यूज कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने Zini10 कोड दे रखा है, इसको आप यूज किया जा सकता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे जुड़ सकें जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। और हां, उनको लेकर आइएगा मेरे स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनको पता लग जाए कि कहां से वो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और यहां से करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या डिफरेंस होता है, उनको वो क्वेश्चंस आते हैं या नहीं जो हम करते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे डेली बेसिस पर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एन कुमार को। एन कुमार, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इनको आपका दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये दिया गया है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना त्रिचुरापल्ली के द्वारा। सो त्रिचुरापल्ली के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर बनाना का। एंड ये अवार्ड आपका दिया गया अभी हाल ही में 4 दिन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाना 2020 आयोजित की गई थी, उसी मौके पर इनको बनाना इंडस्ट्री में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड से नवाजा गया। ओके, सो ये अवार्ड से नवाजा गया बनाना के फील्ड में आपका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देने के लिए डॉक्टर एन कुमार को, जो कि वाइस चांसलर हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। सो ये जो 4 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपकी त्रिची, जिसका त्रिचुरापल्ली कहते हैं, त्रिची या त्रिचुरापल्ली एक ही सिटी के दो नेम है। ओके, सो यहां पर ये कॉन्फ्रेंस आपकी त्रिचुरापल्ली ICAR इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, साथ में थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर, एंड साथ में थे अलायंस बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल CIAT जॉइंटली ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना 2020। सो इन सब ने मिलकर आपकी ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, एंड इसका टाइटल था इनोवेशंस इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट इन बनाना, ये इसका टाइटल था ट्रीची में। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से पहला क्वेश्चन की हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व्हिच इज गिवन बाय द ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना त्रिचुरापल्ली। राइट आंसर डॉक्टर एन कुमार रहेगा। डॉक्टर एन कुमार कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बनाना 2020 कहां पर आयोजित की गई? ये आयोजित की गई त्रिचुरापल्ली या फिर ऑब्लिक ट्रीची में आयोजित की गई है। ओके, और इस कॉन्फ्रेंस को किस किस ने आपका ऑर्गेनाइज किया है, यहां पर नीचे उन सब के नाम आपके लिए लिखे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सदगुरु बुक लॉन्च्ड एट द ईशा योगा सेंटर। ओके, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने रिलीज की एक बुक जिसका नाम है आपका डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, जिसको लिखा है आपका सदगुरु हु इज द फाउंडर ऑफ द ईशा फाउंडेशन। ओके, सो उन्होंने ये बुक लिखा है एंड इनसाइड स्टोरी, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। वाइस प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे 26th महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन, जो कि ईशा योगा फाउंडेशन सेंटर में कोयम्बटूर में हुआ था। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से डेथ एंड इनसाइड स्टोरी
स्टोरी आपकी किसने लॉन्च की है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है, ये दोनों क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। स्पाइस प्लस वेब फॉर्म लॉन्च फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो यहां पर सेक्रेटरी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी, इनका नाम है इंजेति श्रीनिवास, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक स्पाइस प्लस वेब फॉर्म न्यू दिल्ली में। सो यहां पर ये स्पाइस प्लस जो वेब फॉर्म है आपका, इसने रिप्लेस किया स्पाइस फॉर्म को। ये फॉर्म जो है आपका, ये फॉर्म आपका अगर कोई स्टार्टअप, अगर कोई आपका नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसको किस तरह के प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या उसको परमिशन चाहिए, किस किस मिनिस्ट्री से परमिशन चाहिए, सो ये सारा का सारा इस फॉर्म में, आपका वेब फॉर्म यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सो इसका एक नया वर्जन, इसी एक फॉर्म का नया वर्जन दैट इज नोन एज द स्पाइस प्लस फॉर्म, इसको लॉन्च किया गया है। और ये आपका स्पाइस प्लस जो फॉर्म है, इसमें आपका 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड 1 स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र, इन सभी के द्वारा जो भी प्रोसीजर है, जो भी टाइम है, कॉस्ट है एक बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन की होती है। सारे का सारा प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन किया जाता है, यानी कि कोई भी कंपनी जब नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रही है उसको किस तरह की फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है इस फॉर्म में। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि स्पाइस प्लस वेब फॉर्म हाल ही में कौन सी सेक्रेटरी ने लॉन्च किया या फिर कौन सी सेक्रेटरी ने इसको इनॉग्रेट किया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस प्लस जो फॉर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू द न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ओके, इट इज रिलेटेड टू द न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन और व्हेन अ न्यू कंपनी इज गोइंग टू इनकॉर्पोरेटेड। ओके, नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, ये पूछ सकते हैं। इसमें कितनी सर्विसेज और कितने गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज शामिल है, 3 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, सो यहां पर ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिलीज किया कन्नड़ा ट्रांसलेशन ऑफ हु इज भारत माता। ओके, सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने रिलीज की एक बुक हु इज भारत माता बाय प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल एंड इट्स कन्नड़ा ट्रांसलेशन यारू भारत माते। ओके, सो ये आपकी बुक रिलीज की गई है और इसको लिखा है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने और इसका कन्नड़ा ट्रांसलेशन किया है प्रोफेसर के ई राधा कृष्ण ने। इस बुक को पब्लिश किया गया स्वप्ना बुक हाउस बेंगलुरु के द्वारा, साथ में है दिल्ली कर्नाटका संघ। ओके, एंड द बुक कंटेन्स राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। उसमें इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को आपका शोकेस किया गया है। यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, पहला हु इज भारत माता, ये बुक किसने लिखी है, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। कन्नड़ा ट्रांसलेशन किसने लिखा है, के ई राधा कृष्ण ने। किसके द्वारा पब्लिश की गई, खैर ये क्वेश्चन नहीं पूछते आजकल पब्लिशर हाउस का नाम। सो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इस बुक में क्या है। ओके, ये बुक आपकी बेसिकली इट कंटेन्स द राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, सो इनकी आपकी राइटिंग्स एंड स्पीचेस यहां पर बुक में है, मेंशन है, राइट। नेक्स्ट न्यूज आपकी चलते हैं, ओमान के प्लेयर यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूशी, इनको आपका आईसीसी ने 7 सालों के लिए किसी भी तरह का क्रिकेट का में आपका पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया है। इनको बैन कर दिया गया सभी ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर 7 ईयर्स। ओमान के प्लेयर हैं यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूशी, इनको किया गया बिकॉज इन पे मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगाए गए। इन्होंने इन चार्जेस को एडमिट भी किया आपका, एंड चार्जेस ये हैं आपके आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, उसमें आपका इनको पाया गया मैच फिक्सिंग में। ओके, मैच फिक्सिंग के आरोप इन पर लगाए गए और वो आपके सही साबित हुए। ओमान के प्लेयर नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है, यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूशी। ओके, बालूशी इनका नाम है। 7 सालों के लिए, कितने सालों के लिए बैन किया गया, 7 सालों के लिए बैन किया गया है। 21 इंडियन सिटीज आपके
पूरी दुनिया के 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है। ओके, सो यहां पर एक आपका सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई जो कि थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, जिसको कंपाइल किया आईक्यू एयर विजुअल के द्वारा। इसके द्वारा कंपाइल किया गया ये आपका रिपोर्ट का नाम है। इसके द्वारा आपका कहा गया गाजियाबाद जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरी दुनिया की, जिसके बाद चाइना की होटान, गुजरनवाला एंड फैजलाबाद पाकिस्तान, एंड देन दिल्ली इज इन द फिफ्थ प्लेस। ओके, सो ये आपका इस रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं सिटीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी गाजियाबाद है, और अगर मैं कैपिटल की बात करूं पूरे दुनिया में जो कैपिटल है उसमें आपका कैपिटल्स में आपका दिल्ली ने टॉप किया है। ओवरऑल दिल्ली पांचवें स्थान पर रहा और कैपिटल सिटी, द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी में दिल्ली ने आपका टॉप किया है। और इस डाटा के अनुसार अगर कंट्री वाइज डाटा की बात करें तो इंडिया ने इसमें पांचवें स्थान पर है, जिसमें टॉप पर आपका बांग्लादेश रहा है इस लिस्ट में। सो इस न्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019, किसके द्वारा कंपाइल किया गया है, आईक्यू एयर विजुअल गाजियाबाद के द्वारा इसको कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, गाजियाबाद है। दिल्ली का स्थान क्या है, दिल्ली का स्थान पांचवा है। एंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है, दिल्ली है आपकी। एंड इंडिया का रैंक इसमें कौन सा है, इंडिया का रैंक पांचवा है। और इस लिस्ट में टॉप किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। आई थिंक कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ज्यादा ही इस न्यूज में से आपके सामने बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज हम चलते हैं, टॉप IITs, दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियाज प्रीमियर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज द IIM, इन दोनों ने हाथ मिलाया और लॉन्च किया एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आपका जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं आपके, उनको बूस्ट देने के लिए उनमें नया आपका हाई क्वालिटी रिसर्च इन इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नए रिसर्च वर्क उनमें कंडक्ट करने के लिए, कुछ नया उनको समझाने के लिए ये आपका किया गया एक प्रोग्राम का लॉन्च दोनों ने मिलकर, इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया नेटवर्क, ये इसका लॉन्चिंग की गई IWIN की। एंड इसमें आपका IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIM बेंगलोर, IIM कोलकाता, IIM कोझिकोड़े, ये सभी फैकल्टीज इसकी शामिल हैं। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी IIT IIM का नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा सभी IIT IIM का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, क्या लॉन्च किया गया है IWIN, इनमें से क्या चीज लॉन्च की गई, IWIN की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया नेटवर्क, ही आपका रिलेटेड टू दी स्टार्टअप्स है, रिलेटेड टू दी न्यू बिजनेसमैन है, रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से सारे के सारे IIT IIM के नाम एंड IWIN का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता वाइस वर्सा फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में आई थी, इस योजना के तहत आपका कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए गए थे जो कि आपके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आपके यूज किए, मीन जो आपके बेरोजगार हैं उनमें कुछ ऐसी उनको काम सिखाना, कुछ नया काम सिखाना, लाइक द स्टिचिंग एंड ऑल, काफी सारे जो काम होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सारे के सारे काम उनको सिखाए जाते हैं और लेटर ऑन ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके, ओके, या फिर कहीं उनको जॉब मिल जाए। सो यही था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक टारगेट, उसका एक एम जो कि 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें आपका इसको सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया 2016 में, जिसमें इन्होंने टारगेट किया कि ट्रेनिंग देना 1 करोड़ यूथ को बाय ईयर 2020। सो यहां पर अब इसका थर्ड फेज लॉन्च करने की बात की जा रही है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, जो कि हमारे देश के महेंद्र नाथ पांडे है। ओके, सो इस फेज में उन्होंने एक नया फॉर्म स्टार्ट किया है, और इसके तहत इस स्कीम को आपका स्कूल एजुकेशन के साथ लिंक किया जाएगा। सो इस थर्ड फेज में क्या चेंजेस आएगा, स्कूल एजुकेशन के साथ इस स्कीम को लिंक करने की बात की गई है। यहां पर एग्जाम पॉइंट से पहला क्वेश्चन कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट आंसर 2015 रहेगा। सेकंड फेज इसका 2016 में आया था, उसका टारगेट क्या था, 1 करोड़ यूथ को आपका ट्रेन करना ईयर 2020 तक। एंड द नेक्स्ट न्यूज आपकी जो आई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि थर्ड फेज जो आ रहा है आपका, उसमें क्या चीज नई इंटरप्रेनर इसमें इंकल्केट की जा रही है, एंटर की जा रही है, की जा रही है स्टार्ट, राइट आंसर रहेगा उसका, लिंक किया जा रहा है स्कीम को स्कूल एजुकेशन के साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ इस स्कीम को लिंक किया जा रहा है।
नेक्स्ट न्यूज हम चलते हैं सीबीएसई की तरफ। सीबीएसई अभी बोर्ड एग्जाम जो आपके चल रहे हैं उसी के लिए आपका सीबीएसई ने एक लॉन्च किया एक ऐप को, जिसके तहत एग्जाम सेंटर को लोकेट करने में आपका काफी इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स आपका एग्जाम सेंटर को इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने इन्फॉर्म किया। इसके अलावा ये एग्जाम सेंटर लोकेटर ऐप है जिसका नाम सीबीएसई ECL है, मोबाइल ऐप है आपकी, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को आप ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सभी के सभी जो स्कूल हैं जहां पर आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं उनके प्रिंसिपल्स के लिए ये आपका ऐप है, उसके प्रिंसिपल्स के लिए ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के थ्रू उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो भी इनविजिलेटर है वो वहां पर अवेलेबल है, जो भी स्टूडेंट है, कौन से स्टूडेंट आपके एबसेंट है, दिव्यांग स्टूडेंट कितने हैं आपके, किसी भी तरह का अनफेयर मींस या कुछ ऐसा यूज तो नहीं किया जा रहा एग्जाम के दौरान। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको आपकी इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी। सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन कि कौन से बोर्ड ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है टू लोकेट द एग्जाम सेंटर, राइट आंसर उसका रहेगा सीबीएसई, सीबीएसई ECL इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल के लिए आपकी कौन सी ऐप लॉन्च की गया, दैट इज द ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये लॉन्च किया गया है। सीबीएसई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके चेयरपर्सन अनीता कारवाल है। नेक्स्ट न्यूज आपकी आई है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ द नेशनल मिशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ओके, जिसमें आपका टोटल एलोकेशन 1480 करोड़ है 4 ईयर का। ओके, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं? टेक्निकल टेक्सटाइल आपके हैं बहुत सारी चीजें, लाइक द एग्रीकल्चर, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, आपके स्पोर्ट्स वियर हुए, हेल्थ ऑन वन एंड टू, बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, हाई अल्टीट्यूड कॉम्पैक्ट गियर एंड द स्पेस एप्लीकेशन। सो ये सारी की सारी चीजें जो कि आपके टेक्निकल चीजों से जुड़ी है, इन इन फील्ड्स में आपका जो चीजें पहन के काम करते हैं, वर्क करते हैं, सो वो चीज है टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, मान लीजिए फायर प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेक्सटाइल, बट इट इज रिलेटेड विद सम टेक्निकल फील्ड, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी आपकी यूज की जाती है, कपड़ा नहीं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी इसमें होती है, ताकि जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी तरह का आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक सेफ्टी रहे आपकी। ठीक है, सो यहां पर यही टेक्निकल टेक्सटाइल फील्ड में आपका एक नेशनल मिशन एक इनिशिएट किया गया, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया, और बजट के अनुसार 1480 करोड़ 1480 करोड़ इसमें आपका एलोकेट किया गया था, और इसमें आपका पहला कंपोनेंट इस मिशन का जो कि रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, जिसमें 1000 करोड़ रुपीज आपका कोस्ट आएगी। ठीक है, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1480 अमाउंट याद रख लीजिएगा, ये पूछी जा सकती है क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल, उसके बारे में यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है, एंड किसने इसको अप्रूव किया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। स्वीडन के एमपी का डेलीगेशन अभी हाल ही में इंडिया में विजिट पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात की, वहां पर ऑफिस में विजिट किया, 10 मेंबर का डेलीगेशन वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्सडैग, रिक्सडैग आपकी पार्लियामेंट का नाम है स्वीडन की, स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग, इन्होंने विजिट किया इलेक्शन कमीशन को न्यू दिल्ली में, जहां पर इन्होंने मुलाकात की सुनील अरोड़ा से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एज वेल इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा से। इस डेलीगेशन को लीड किया करिन एंस्ट्रोम ने, जो कि एमपी एंड चेयरपर्सन है आपके रिक्सडैग के। ओके, रिक्सडैग के चेयरपर्सन। यहां पर एग्जाम पॉइंट सबसे पहले न्यूज क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन का नाम क्या है, पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन का नाम क्या है, द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन इज रिक्सडैग। ओके, सो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इस डेलीगेशन को लीड किसने किया था, या फिर दूसरा क्वेश्चन मौजूद है, इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्सडैग, रिक्सडैग के आपके कौन है चेयरपर्सन, दैट इज द करिन एंस्ट्रोम है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी स्वेडिश क्रोना है, पीएम आपके स्टेफन लोवेन है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द स्वीडन एमपी डेलीगेशन विजिट द ECI। म्यांमार के प्रेसिडेंट जिनका नाम है विन मियंत, ओके, सो इनका ये हाल ही में आपका न्यू दिल्ली में आए, ओके, 4 दिन की इंडिया के विजिट पर हैं ये आपके प्रेसिडेंट ऑफ द म्यांमार विन मियंत। ओके, नेपी द्वीप वहां की कैपिटल है, करेंसी आपकी कियात है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ने लॉन्च किया बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग 15 सिटीज में। ओके, 15 सिटीज में राजीव कुमार फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग, ये आपके 15 सिटीज में, या कह सकते हैं 15 ब्रांचेस आपकी लॉन्च की गई हैं बड़ौदा
स्टार्टअप बैंकिंग के नाम से, ओके सो ये आपका लॉन्च किया गया है इसको, एंड इसमें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये 15 ब्रांचेस के थ्रू जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज हैं, जो नई एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको आपका बैंकिंग सर्विस मुहैया करवाएगी। सो दीज आर दी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं ये 15 सिटीज में 15 ब्रांचेज, जिनका फोकस केवल और केवल आपका स्टार्टअप्स पर, जिनका फोकस केवल और केवल नए बिजनेस मैन पर ही आपका रहेगा, उनको आपकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगे। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से कौन से बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है इस तरह की स्टार्टअप बैंकिंग को, राइट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितनी ब्रांचेज ओपन की गई हैं, कितनी सिटीज में ब्रांचेज ओपन की गई हैं, राइट आंसर उसका 15 रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी के सभी बैंक्स को कहा है जितने भी आपके फार्म लोन्स हैं वो आपको केसीसी के फॉर्म में ही देने हैं। उम्मीद करता हूं हमने मेरे बैंकिंग अवेयरनेस की परसों की क्लास को फॉलो किया होगा, परसों से एक दिन पहले ही क्लास या परसों ही हमने क्लास की थी, उसमें मैंने आपको केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे दिया जाता है आपको, किस बेस पर दिया जाता है, क्या इसमें सबवेंशन का फंडा होता है, कितना पैसा आता है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, एक एक चीज बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, इवन किसान गोल्ड कार्ड भी आपको बताया था क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड एंड किसान गोल्ड कार्ड, ये आपका एक प्रकार का आपका क्रॉप लोन होता है जो किसानों को दिया जाता है। सो कोई भी किसान, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अगर कोई भी किसान कर लोन लेने आता है तो उसको जो लोन दिया जाएगा वो केसीसी के थ्रू ही दिया जाना चाहिए। सभी के सभी जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स एलिजिबिलिटी है वो इनको इसी फॉर्म में दिया जाना चाहिए 1 अप्रैल 2020 से। सो इसके अलावा किसी भी और स्कीम के तहत किसानों को लोन नहीं दिया जा सकेगा, ये कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड ये आपका केसीसी के बारे में लिखा हुआ है कि 3 लाख तक का जो लोन है सभी के सभी फार्मर्स को, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स, वो आपका 7% पे दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक सबवेंशन देती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देती है 2% आपका बैंक्स को वापस, जो कि फर्दर आपका किसानों को दे दिया जाता है। और अगर एक किसान अच्छे से रीपेमेंट कर रहा है अपने उस लोन की, तो उसको एडिशनल सबवेंशन 3% और पैसा वापस किया जाता है। ओके, सो ये आपका रहा यहां पर आरबीआई ने फिलहाल केसीसी के बारे में आपका बताया कि सबवेंशन जो भी है केसीसी के थ्रू दी जानी चाहिए, या फिर जो भी लोन है वो आपके केसीसी के थ्रू दी जाना। इसमें डेट पूछी जा सकती है कौन सी डेट से, वैसे तो पहले इफेक्टिव में था ये चीज, बट यहां पर आरबीआई ने अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इसके लिए जारी की है 1 अप्रैल 2020। और इस पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, और जो लोग मेरे प्लस से जुड़े हुए उनको यह कह दो कि परसों क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि केसीसी का कंसर्न मैंने आधा पौना घंटा आई थिंक 45 मिनट्स आई टेकन एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, जीएसटीएन ने लॉन्च किया न्यू टोल फ्री नंबर फॉर दी हेल्प डेस्क। ओके, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, इन्होंने एक नया टोल फ्री नंबर आपका लॉन्च किया है व्हिच विल बी ऑपरेशनल 365 डेज, ऑपरेशन में रहेगा ये आपका 1800 103 47 86, 1800 103 47 86, ये आपका टोल फ्री नंबर है। ओके, सो ये नंबर आपका 9 से 9 बजे तक काम करेगा 365 डेज। अर्लियर प्रीवियस जो नंबर था वो ये आपका इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो नया नंबर आपका लॉन्च किया गया है, दिस वन इज द नंबर, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, खैर। ओके, सो दिस इज द जीएसटीएन ने नया टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हाल ही में एक 6th नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रही थी। ओके, और ये आपकी गुलमर्ग में हुई, एंड इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर ने आपका इसमें आपका गोल्ड मेडल जीता। सो टीम टारगेट इवेंट में आपका जम्मू एंड कश्मीर ने गोल्ड, हरियाणा ने आपका सिल्वर, एंड महाराष्ट्र बिहार ने ब्रॉन्ज जीता। टीम गेम कंपटीशन में आपका दमन एंड दीव ने गोल्ड मेडल जीता, जम्मू एंड कश्मीर सिल्वर पे रहा एंड मध्य प्रदेश के साथ, एंड चंडीगढ़ एंड मध्य प्रदेश को आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला। सो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था जम्मू एंड कश्मीर आइस स्टॉक स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, साथ में था आपका इंडियन आइस स्टॉक स्पोर्ट्स फेडरेशन, एंड स्पॉन्सर किया था जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। कहां पर हुआ था? गुलमर्ग में ये इवेंट हुआ था। सो यहां पर सबसे पहले तो वेन्यू पूछा जा सकता है, कहां पर ये इवेंट हुआ था? गुलमर्ग में हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसने आपका टीम टारगेट इवेंट में जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल जीता? टीम गेम कंपटीशन में दमन एंड दीव ने इसमें आपका गोल्ड मेडल जीता है। ओके, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं AITA सिलेक्शन कमेटी। सो कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें डेविस कप की टीम के बारे में लिखा हुआ था जो कि क्रोएशिया के अगेंस्ट खेलने जा रही है। सो इसमें 6 मेंबर का एक स्क्वाड बनाया गया था, बट अब ये 5 मेंबर का ही स्क्वाड बनाया गया है जिसमें दिविज शरण को आपका रिजर्व मेंबर रखा गया है। सुमित नागल, प्रजनेश एंड दी रामकुमार रामनाथन आपके सिंगल प्लेयर रहेंगे एंड लिएंडर पेस एंड रोहन बोपन्ना आपका डबल्स में आपका खेलेंगे। सो यहां पर नेशनल फेडरेशन ने ऑलरेडी इसके बारे में अनाउंस 6 मेंबर का स्क्वाड किया था, बट यहां पर अब 5 मेंबर का स्क्वाड ही रहेगा डेविस कप जो कि क्रोएशिया के अगेंस्ट हम खेलने जा रहे हैं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट की जिसके प्रेसिडेंट प्रवीण महाजन हैं एंड इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। तो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है इन पांचों में से किसी का भी नाम ऑड वन वे आउट के फॉर्म में और इवन डबल्स में या सिंगल्स में कौन खेल रहा है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। डेविस कप किसके खिलाफ खेलने जा रहा है, क्रोएशिया के खिलाफ खेलने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एंड द डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ताकि लोगों को आपका गुड कोज के लिए, एक अच्छे कोज के लिए जोड़ा जा सके। ऑब्जर्वेशन, एनजीओ डे वॉज फाउंडेड इन 2009 बाय द लॉ स्टूडेंट मार्किस लायरिस स्कैडमेनिस। ओके, सो इनके द्वारा इसको आपका फाउंड किया गया था। सो दिस इज द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द 27 ऑफ February, that is the end of today's session. Please इस session को like कर देगा, share कर दीजिएगा, इसी तरह से बने रहिएगा। रोज सुबह 7:30 बजे मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ और 8:10 पे जस्ट 5 मिनट बाद आपके लिए मैं MCQ सेशन लेकर आऊंगा जो कि Unacademy स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर रहेगा। उसमें भी मुझसे लाइव जुड़िएगा सभी लोग, ताकि पोल के थ्रू हम करेंगे जजमेंट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। चलिए मिलते हैं फिर 5 मिनट बाद, एक क्विक रिविजन फटाफट से कर लेते हैं। ओके, और 5 मिनट बाद आ जाइएगा, लेट मत हुआ कीजिए, आप बहुत लेट होते हैं। कई लोग तो 10-15-20 मिनट का सेशन होता है उसमें भी 20 मिनट बाद ही आते हैं। चलिए पहली न्यूज आपकी सामने आई है बनाना। ओके, केला तो सभी खाते होंगे, सो यहाँ पर एक केले से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, कहाँ पर, ट्रीची में आयोजित की गई, जहाँ पर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सदगुरु जी ने एक बुक आपकी लिखी, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, इसको रिलीज किया गया एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। स्पाइस प्लस वेब एक लॉन्च किया गया फॉर्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, नया बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहा है उसके लिए, जिसमें 10 सर्विसेज एंड दी 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के बारे में आपके सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रिलीज की कन्नड़ा ट्रांसलेशन ऑफ हु इज भारत माता, जिसको लिखा प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, कन्नड़ा ट्रांसलेशन किया है KE राधा कृष्णन ने, जिसमें आपकी जवाहरलाल नेहरू जी की आपकी स्पीचेस एंड राइटिंग्स मौजूद हैं। ICC ने बैन किया ओमान के प्लेयर यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूशी को, 7 सालों के लिए किसी भी क्रिकेट के फॉर्म में नहीं खेल पाएंगे, मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं उन पर। 21 इंडियन सिटीज आपकी 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल है, गाजियाबाद ने टॉप किया इस लिस्ट में, इसको आपका दिया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार, कंपाइल किया गया IQ एयर विजुअल के द्वारा। दिल्ली कैपिटल सिटीज में आपका टॉप रहा गाजियाबाद मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में एंड कंट्री वाइज इंडिया का रैंक 5th रहा, बांग्लादेश ने टॉप किया। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM कोझिकोड़े, ये सभी ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया है, दैट इज द इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया नेटवर्क। ये आपका नया इनिशिएटिव एक लिया गया है ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स को आपका प्रमोट किया जा सके। गवर्नमेंट आपका तीसरा फेज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपका स्कूल एजुकेशन को लिंक किया जाएगा इस स्कीम से। 2015 में स्कीम पहली बार लॉन्च की गई थी। CBSE ने ऐप लॉन्च की है जिसके थ्रू एग्जाम सेंटर को आप लोकेट कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम भी आपके प्रिंसिपल्स के लिए लॉन्च किया गया है। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 1480 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। ओके, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 1480 करोड़ रुपीज। स्वीडन के MP एंड का एक पूरा डेलीगेशन, स्वीडन के पार्लियामेंट को कहते हैं रिक्सडैग, इसका डेलीगेशन इंडिया में विजिट किया, ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस को, वहां पर मुलाकात की, और इस डेलीगेशन को लीड किया करिन एंस्ट्रॉम ने, जो कि MP एज वेल एज चेयरपर्सन है रिक्सडैग के। म्यांमार के विन मियंत प्रेसिडेंट इंडिया में 4 दिन की विजिट पर। फाइनेंस सेक्रेटरी ने लॉन्च किया आपका बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग, 15 सिटीज में 15 ब्रांचेज ओपन की गई बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए।
आरबीआई ने सभी के सभी बैंक्स को कहा है केसीसी के थ्रू ही लोन दिया जाना चाहिए सभी के सभी फार्मर्स को जो भी एलिजिबल हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स और 3 लाख रुपए तक के लिए, और ये आपका स्ट्रिक्टली फॉलो की जानी चाहिए गाइडलाइन 1 अप्रैल 2020 से। जीएसटीएन ने नया नंबर लॉन्च किया है, टोल फ्री नंबर आपके हेल्प डेस्क के फॉर्म में नया नंबर आपका सामने आया है। एक का भी इवेंट हुआ था, 6ठा नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था आपका गुलमर्ग में, एंड इसमें आपका जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल जीता टीम टारगेट इवेंट में, दमन एंड दियो ने जीता टीम गेम कंपटीशन में। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अनाउंस किया कि 5 मेंबर ही खेलेंगे आपके डेविस कप जो कि आपके क्रोएशिया के खिलाफ हो रहा है, दिविज शरण को इसमें रिजर्व मेंबर बनाया गया है। ओके, 5 मेंबर सुमित नागल, प्रजनेश, रामकुमार, लिएंडर पेस एंड रोहन बोपन्ना है। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एनजीओस को आपका प्रमोट करने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। चलिए इस सेशन में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, एंड इसी तरह से बस मेरे साथ जुड़े रहिए 7:30 बजे और 5 मिनट बाद हम मिलते हैं, हम 4 मिनट रह गए, 4 मिनट बाद हम मिलते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।